किसको होना चाहिए सरकार? सरकार इस वक्त अब तो अगले से याद की कहना। उत्तर प्रदेश में काम तो हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ है? जब ये सरकार बनी है, काम सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार है, ये अपने हिसाब से काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही थी। आप किसको लाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को, वो ही मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार, ये योगी सरकार, तो काम चलेगा, कोई विकास तो कुछ नहीं हुआ है। तब भी योगी सरकार को लाना चाहते? हम तो नहीं लाना चाहते, ये लाना चाहते विकास। हाँ, योगी सरकार में तो खैर ना हुआ है, समाजवादी में हुआ था विकास। बदायूं के तमाम शहर, तमाम विधानसभा सीटों पे जायजा करने के बाद, दौरा करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं बदायूं के सहसवान विधानसभा सीट पर। सहसवान में क्या कुछ कामकाज हुआ है, क्या नहीं हुआ? सरकार ने जो 4.5 सालों में बताया कि विकास काफ़ी हो चुका है उत्तर प्रदेश में, बदायूं में, तो फिर हकीकत में वाकई में विकास हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहसवान सीट पर, बदायूं में सहसवान सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और यहां पर क्या कुछ कामकाज रहा है, यहां पर हम जानने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सहसवान सीट का क्या मूड है, क्या हाल है, क्या वाकई में यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ। क्या नाम है अंकल आपका? जी अनवर सलीम। कहाँ रहते हैं? यही मोहल्ला नसरुल्ला। अच्छा, एक बार तो ये बताइए, यहाँ पर कुछ विकास आपको नजर आया? विकास नहीं हुआ साहब, यहाँ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि विकास नहीं हुआ? काम काज बिल्कुल भी सब बंद है यहाँ पर, क्या नाम, काम धंधे की बहुत परेशानी है आदमी को, और कोई काम फाम सब ऐसे ही है जैसे थे, काम मंदा चल रहा है। तो लगता है कि कुछ सड़कें बनी हैं, सुधार हुआ है, गड्ढे हटे हैं? सड़कें तो पहले से ही हैं ऐसी, बस एक रोड बना रहा है, वही अकोराबाद चौराया वाला। और यहाँ के MLA क्या करते हैं? MLA को तो देखने को ही नहीं मिलता है यहाँ पर, क्या नाम, देखने को ही नहीं मिलता वो तो आते ही नहीं है इधर। अच्छा, तो अगर सहसवान से मैं बाहर की बात करूँ, आप बदायूं जाते रहते होंगे, तो सहसवान विधानसभा से अगर आप बाहर जाते तो लगता है कि वहाँ कुछ विकास हुआ है? नहीं, हम तो बहुत कम जाते हैं उधर बदायूं, कम जाते हैं। तो इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? देखो आगे को सोच के बताएंगे। आप किसको चाहते हैं कि किसको होना चाहिए सरकार? सरकार इस वक्त अब तो अखिलेश यादव की, क्या नाम, अखिलेश यादव। तो यहाँ के जो MLA हैं वो भी तो अखिलेश यादव के ही हैं? हाँ जी हाँ। तब भी काम काज नहीं करा? काम नहीं करते वो, असल में बहुत काम, पहली बात तो वो आते ही नहीं है मार्केट में इधर, क्या नाम, देखते हैं मिलते हैं, आते ही नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मुन्नन खान। मुन्नन, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहे सुभाषपुर। लग रहा है कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश? कुछ ना हुआ। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी, सरकार तो कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना। वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं? आपको किसने बताया वो झूठ बोल रहे हैं? क्या लो, अच्छा आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है? या कब से रोडवेज वो अड्डा वो भी खत्म हो गया यहाँ पर सहसवान में, तो कुछ करा ही ना उन्होंने, कुछ भी नहीं करा 35 साल तक। कुछ योगी सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? योगी का भी कोई काम ना, बेकार है। समाजवादी, हिंदू मुसलमान ही, कुछ ना, बस हिंदू मुसलमान कर रही है योगी सरकार। तो ये बताइए, यहाँ के जो विधायक है वो है समाजवादी पार्टी के, राज्य में जो सरकार है वो है BJP की, इन दोनों से आप खुश नहीं है, तो चाहते हैं कि किसी और को मौका दे? हाँ, कोई नया आए, विकास करे सही सा। कौन वो नए में किसको मैं मानूँ, कांग्रेस को, बसपा को, या फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल को? केजरीवाल। केजरीवाल के लिए है आपके मन में चाहत? केजरीवाल। क्यों, आपको क्या कुछ उनका कामकाज आपको अच्छा लगा? हाँ, क्या कुछ कामकाज? सब काम अच्छा करा, बिजली फ्री है वहाँ पर, 300 यूनिट बिजली फ्री है। हाँ, तो आपके मन में है कहीं ना कहीं कि मतलब अब केजरीवाल को इस बार वोट दिया? केजरीवाल ही, हाँ केजरीवाल। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अजमल। क्या करते हैं आप? जी यहीं छोटी शॉप है, यहीं पर रहते हैं सहसवान। जी बिल्कुल सहसवान। लग रहा है कुछ आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या उत्तर प्रदेश में कुछ कामकाज हुआ है? उत्तर प्रदेश में काम तो हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ है? जब ये सरकार बनी है, काम सरकार कर रही है, काम इसमें भी सही हुआ, समाजवादी पार्टी में भी सही हुआ था, अभी BJP की सरकार है, ये अपने हिसाब से काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही थी। आपको दोनों का काम पसंद आया? जी दोनों का काम सही है, ये अपने हिसाब से हैं, वो अपने हिसाब, समाजवादी पार्टी में थोड़ा इससे अच्छा काम था वो। तो जब दोनों का काम अच्छा है, समाजवादी पार्टी का काम भी अच्छा है, BJP का भी अच्छा है, तो अब दोनों को तो सरकार में नहीं ला सकते है ना, तो किसी एक को ही लाया जाएगा, तो आप किसको लाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी? जी जी जी। क्या कुछ उनका, अखिलेश यादव क्यों इतना आपको पसंद है कि मतलब समाजवादी को ही लाना, जबकि BJP भी आप बता रहे हैं काम अच्छा कर रही है? हाँ, विकास इससे ज़्यादा जो है, विकास उससे उसका ज़्यादा पसंद है, अखिलेश यादव की सरकार का विकास ज़्यादा है पहले से ही,
अब तो ये बीजेपी सरकार है, ये अपने हिसाब से काम कर रही है, वैसे वही ठीक है। अखिलेश सर, एक भाई साहब अभी बता करके गए हैं कि केजरीवाल भी अच्छा कामकाज कर लेते हैं दिल्ली में, तो लगता है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा बदलाव हो सकता है। अरे नहीं सर, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल कैसे आ सकते हैं? उत्तर क्यों, केजरीवाल का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अभी नए नए आए हैं तो अपने दिल्ली से कहाँ यार, वो दिल्ली में इतने टाइम से दिल्ली में ही तो है ना, उत्तर प्रदेश में पहली बार आएंगे तो उत्तर प्रदेश कहाँ। यहाँ अखिलेश जी ठीक है, दिल्ली में उनकी नीतियों के बारे में पता है वो क्या 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 कुछ योजना देते हैं लोगों को? दिल्ली में तो उनका भाई दिल्ली अपना वो है, हमें उत्तर प्रदेश देखना है, दिल्ली से मतलब क्या, हमें तो यहाँ अगर जो विकास करे वो बेहतर है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कुछ सोच? कांग्रेस अब ठीक है, पर कांग्रेस अभी इतनी ऊपर नहीं है जो कि उसको वोट दिया जाए तो वो सत्ता में आ जाए, अगर वोट भी दे दें तो भी गड्ढे में जाएगा, क्या फ़ायदा। तो अखिलेश यादव बेहतर काम करके दिखा, अखिलेश यादव बेहतर काम करके दिखा सकते हैं सर। क्या नाम है भैया आप? अरशद शाह। अरशद शाह, अच्छा क्या करते हैं आप? मैं फल का काम करता हूँ। फल का काम करते हैं, बढ़िया चल रहा है काम का? बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपके यहाँ का इलाके का कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। विकास हो गया? बिल्कुल विकास खूब हो रहा है, सही सा काम चल जाएगा विकास में। हमें भी बता दीजिए जरा, हम लोग नए आए हैं यहाँ पर, नोएडा से दौरा करने आए हैं आपकी सीट पर, तो बता दीजिए क्या कुछ कामकाज हुआ है? वही मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार या योगी सरकार तो काम चलेगा। मोदी सरकार या योगी? हाँ बस योगी सरकार या मोदी सरकार। अच्छा, यूपी में उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए। क्यों आपको योगी सरकार क्यों इतना पसंद है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। नहीं किया वो काम कराएंगे, वो काम कराएगा ना, हुकूमत तो क्या पता हुकूमत अभी छिन भी जाए, कुछ अलग बात है। नहीं तो किसी और को चाहते हैं कि उन योगी सरकार को ही मौका दिया जाए, किसी और को ना उन्हें मौका दिया जाए, वो सही योगी सरकार। हाँ सही आदमी। तो आप इतना रहम क्यों बरसा रहे योगी? भाई काम हमारा सही चल रहा है, क्यों उन्हीं को जिता देना? गुंडा खत्म है सब, नाराज खत्म। हाँ बिल्कुल, जो हक चाहिए हमें हक चाहिए, बस ये चाहिए। अच्छी बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब गुंडा राज खत्म हो गया है, योगी सरकार को फिर से एक बार ले आना चाहिए। जो जमीने छीनी वो बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। सहमत है जी? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ योगी सरकार का क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगा? हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी सहमत है? सहमत क्यों, मतलब वो सहमति तो बताइए ना, किस वजह से वो सहमति है? कोई विकास तो कुछ नहीं हुआ है। तब भी योगी सरकार को लाना चाहते हैं? हम तो नहीं लाना चाहते, ये लाना चाहते हैं। बोल रहे हैं इनकी बात से सहमत है आप? नहीं। अच्छा तो क्यों क्यों नहीं लाना चाहते, मैं वजह जानना चाहता हूँ, क्यों नाराज हैं आप योगी सरकार? कोई विकास नहीं हुआ है। विकास योगी आदित्यनाथ कह रहे भैया हमने तो उत्तर प्रदेश में बहुत विकास कर, गौशाला में हुआ विकास तो गरीबों का। यहाँ के MLA ने क्या कुछ काम काज? MLA तो कभी कभी पेशाल शक्ल मिलती हुई MLA ही देखने को, MLA तो उसके है ना, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के हैं। तो मतलब ना MLA ने काम करा समाजवादी पार्टी के, ना ही BJP काम कर रही है उसमें, सूबे में उसकी सरकार है ना योगी की, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? अच्छा वो काम नहीं कर पा रहे? नहीं, फिर तो उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था अगर कि काम नहीं कर पा रहे। काम तो योगी भी नहीं कर पा रहा है तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। तो आप बदलाव चाह रहे हैं इस बार? हाँ बदलाव होगा। किसको लेकर के आएंगे बदलाव के बाद? देखो इंशाल्लाह जरूर बदलाव होगा और अखिलेश यादव जरूर आएंगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के अलावा मैं बात करूँ किसी और दल की, किसी और पार्टी की, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस है, केजरीवाल भी है, ये अभी UP में इनका वो नहीं है कोई वजूद नहीं। और बसपा का? बसपा के तो वो बी पार्टी है इसकी, BJP की। अच्छा हाँ बी पार्टी है। हाँ और OBC भी? OBC भी। हाँ OBC को जानते हैं यहाँ पर लोग? OBC वो उनके वो हैं, एजेंट हैं BJP के। एजेंट? हाँ BJP। किसने बताया कि OBC BJP के एजेंट है? मैं सुना गया था, मतलब ऐसी है सबके खिलाफ होता है। टीवी चैनलों पे देखा? हाँ टीवी चैनल पे बहुत ही ना के बराबर देखते हैं, देखते ही ना न्यूज़ तो देखते ही नहीं। कौन सा चैनल देखा? कोई सा चैनल नहीं देखा। कोई नहीं, हमारा चैनल देखिएगा। क्या नाम है भाई आपका? शाहबाद। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं सहसवान। लग रहा है कुछ कि कुछ काम काज हुआ है, इस चश्मे से देख पा रहे हो कुछ विकास? सब कुछ दिख रहा है, आप भी दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है। मैं तो दिख रहा हूँ, विकास दिख रहा है कहीं पर? विकास हाँ योगी सरकार में तो खैर न हुआ है, समाजवादी में हुआ था विकास। नहीं दिख रहा? नहीं वो विकास नहीं दिख रहा, इसलिए चश्मा पहना हुआ? नहीं चश्मा तो अपने फैशन के लिए, थोड़ा वहम सा हो जाए कि चलो यार चश्मा पहन ले। हाँ और क्या, जो आप समझो। अच्छा तो क्या लग रहा है कि, कोई बात नहीं चश्मा पहने रहो, ये बताओ क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मौका देना चाहिए फिर से? वैसे लायक तो नहीं है मौका देने के। लायक नहीं ना? क्यों, क्या वजह है? क्योंकि कराई कुछ नहीं है उन्होंने, कुछ भी नहीं नहीं।
अच्छा, आप सहसवान से बाहर जाते आते रहते होंगे? जी जी। बदायूं की जो दूसरी विधानसभा सीट है, तो लगता है कि सहसवान छोड़ के बाकी जगह पर कुछ काम काज हुआ? कहीं 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 भी कुछ न हुआ है मेरे, कहीं भी कुछ नहीं। सिर्फ गौशालाओं के अलावा। गौशालाओं में गाय है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? वो भी रोडो। कौन रहता है गौशालाओं में? आदमी रहते हैं, उनकी तनख्वाह लेके पैसे खाते हैं। और जो गायें घूमती है उनका क्या, वो कहाँ जाती है? वो तो योगी जी बताएंगे वो कहाँ जाएंगी। योगी जी? और क्या, योगी जी तो कहते हैं कि गायें अपने अपने घर में रखो, सारी गायें खत्म हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? शाकिर। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं सर। लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ सर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे ही कह रहे हैं, तो सभी जानते हैं इसके लिए। तो क्या लगता है कौन विकास करके दिखाएगा सर? अब जो तो यही लोग जान सकते हैं कौन विकास करेगा। आप भी तो जान सकते हैं ना, आपको उम्मीद होती है ना एक? हमारे कहने पे कर रहे हैं ये लोग। वोट तो आपके पास है ना? अरे तो वोट हमारे पास, हमें तो डालना है। किसको डालें? कहीं डालो, वोट किसको डालना है? किसको डालो? तो डाल ही देंगे किसी ना किसी को। रुझान किस तरफ है, मतलब आप लोगों का, आपके घर परिवार का? चाहते होंगे ना कि चलो यार इस पार्टी को वोट डाल देते हैं, क्या पता कुछ अच्छा करके दिखा दे। हम तो यही चाहते हैं अखिलेश यहाँ दोबारा से। अखिलेश योगी सरकार से नाराज है आप? बिल्कुल नाराज है हम तो। अच्छा, तो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस कुछ? कांग्रेस भी सही है सर। सही है, मगर यहाँ पे वजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है बस। तो अगर जब सही है तो एक बार ले आते हैं, क्या पता कुछ बेहतर करके। हाँ तो आए तो हम तो वहाँ पे भी तैयार हैं। तो वोट कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है? जा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मामा इकबाल। आप कहाँ रहते हैं? नसरुल्लाह में रहता हूँ। लग रहा है कुछ काम काज हुआ है उत्तर प्रदेश में? कुछ ना हुआ है। कुछ ना हुआ, क्यों, ऐसा क्या क्या वजह रही कि कुछ कुछ काम काज ना? कोई हिंदू मुसलमान के मत समझो, यहाँ सभी भूखा मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? और अच्छा, तो क्या टीएल कर दिया 100 रुपए का नाम है, जाएगा वो किराए को भी जाए तो का नाम। देश में इतनी महंगाई तो चलती है ना? देश में इतनी महंगाई चल रही है, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे? हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे तो थोड़ी बहुत महंगाई, इतना तो देश के लिए करना चाहिए। अरे कि आया तो सब दुनिया की परेशानियां ही मिल गई। अब क्या नाम है, या तो वो अखिलेश यादव देखेंगे या कांग्रेस देखेंगे, ये तो बिल्कुल ठप हो गया ना समझो। तो आप किससे उम्मीद करते हैं कि कौन बेहतर काम करके दिखाएगा? कांग्रेस ही करके दिखाएगी। अच्छा, आपको क्या कुछ लगता है कि अगर कोई भी सरकार आए तो क्या क्या काम होने चाहिए आपके लिए? मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या होनी चाहिए? कुछ हुआ हो तो बताएं सभी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको विकास नहीं दिख रहा, सुविधाएं नहीं मिल रही, कोई भी सरकार आती है चाहे अखिलेश यादव आए। 6000 का कहना है जी, 6000 का कहना है, वो बिल आ रहा है, 2000 का बिल आ रहा है, 3000 का बिल आ रहा है, और कम से न कम अब 1000 का सिलेंडर हो गया। अब बता रोटी कहाँ कहाँ से कहाँ, मजदूर आए हैं, मजदूर पार्टी है। तो योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि भैया हमने आपके घर बिजली तो पहुंचाई ना? अरे कहाँ बिजली पहुंचाई है, उन्हें भूखा मार डाला, क्या नाम है जी, काई नाथ। अच्छा, ओवैसी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या तो लग रहा है उनको इस बार वोट दे दें? अरे उसका खुद तख्ता लौटेगा। तो क्या भगाने की पूरी वो है कोशिश? उम्मीद है भगाने की। बड़ी अच्छी बात है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे आगे, सहसवान में जा करके लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वाकई में काम काज किया है या नहीं करा। तो ज़्यादातर लोगों ने सरकार से नाराज़गी जाहिर की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज़ न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।